हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू फैम्स कुकिंग। आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक ड्राई केक बनाने जा रहे हैं। ये ड्राई केक कोई नॉर्मल सा ड्राई केक नहीं है। इसकी हर सिंगल स्लाइस में आपको एक सरप्राइज हार्ट मिलेगा। इट इज़ परफेक्ट टू मेक ऑन एनी ओकेजन ऑफ योर लव्ड वंस, स्पेशली वैलेंटाइंस डे, क्योंकि उनको हर एक स्लाइस में एक सरप्राइज मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं किचन में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है मैदा। इसमें डालेंगे वही हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट कॉर्नफ्लावर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एंड सॉल्ट। अब हमें इसे छानना है। थोड़ा हाइट से हम इसे सीव करेंगे ताकि एयरी बने। ये हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गया है, इसे हम साइड पे रख लेते हैं। तो चलिए वेट इंग्रेडिएंट्स की तैयारी करते हैं। ये मैंने लिया है यहाँ पे बटर। ये बटर सॉफ्टन है, सॉफ्टन बटर का ही यूज़ करना है। इसके अंदर हम मिक्स करेंगे शुगर। शुगर को हम पार्ट्स में मिक्स करेंगे। हम बटर और शुगर को क्रीम करेंगे। ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ड्राई लगेगा, लेकिन जब आप इसे विस्क करते जाएंगे तो ये अपने आप एक क्रीमी टेक्स्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप विस्क की हेल्प से इसे कर सकते हैं। अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर का यूज़ कर सकते हैं। ये स्क्रैप करते जाएं जो साइड में लगा है और फिर इसे मिक्स करें। अब हम इसमें डालेंगे एग। एग को भी हम एक एक करके डालेंगे। अब इसे अच्छे से बीट कर लीजिए। फिर हम थोड़ा शुगर डालेंगे और ऐसे ही एक एक करके एग को भी डालते रहेंगे। हाँ, इसे साइड से अच्छे से स्क्रैप करना है और फिर इसे बीट करना है। आप विस्कर से भी कर सकते हैं, बीटर से भी कर सकते हैं। विस्कर से थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी, बट इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। देखिए, अब हमने इसे अच्छे से बीट कर लिया है तो आपको एक फ्लफ़ी, एक वॉल्यूम वाला बैटर तैयार होगा आपका। इसमें ऐड किया है वनीला एसेंस और थोड़ा सा मिल्क। ये रूम टेम्परेचर का मिल्क है, ना वार्म है और ना ही ये कोल्ड है। तो बस इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल जेंटली आपको मिक्स करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। वही है, ड्राई इंग्रेडिएंट सारा एक साथ नहीं डालें, नहीं तो फिर आपका जो बैटर है वो लंपी हो जाएगा, गुठलियाँ बन जाएंगी, जिसको निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसे पार्ट्स में डालें। जहाँ आपको लगता है ये बैटर थोड़ा ड्राई हो रहा है, आप वहाँ पे थोड़ा सा मिल्क डाल सकते हैं टॉप अप के लिए। और इसे जेंटली फोल्ड करें। ऐसे पार्ट्स में इसे डालते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं। मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप स्पैचुला भी यूज़ करें, क्योंकि कहीं बार ऐसा होता है कि जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता, साइड पे चिपक जाता है या नीचे रह जाता है। एंड ये फाइनल मिक्स, ओवर बीटिंग नहीं करनी है। देखिए हमारा बैटर कितना फ्लफी लग रहा है। तो चलिए, अब हमारा ये बेकिंग टाइम है। पहले आपको इसकी फर्स्ट लेयर प्रिपेयर करनी है। तो थोड़ा सा हम टिन को 1/4 फिल करेंगे। उसके बाद मैंने ये हार्ट शेप में काटे थे, इसका मैंने वीडियो अलग से बनाया है, लिंक पोस्ट किया है, आप देख सकते हैं। ये मैंने एगलेस वर्जन बनाया था, तो इस तरीके से आपको एक एगलेस वर्जन भी मिल गया है केक बनाने का। और ये वाला जो हमने अभी बनाया है, ये हमने विद एग्स बनाया है, तो आपके पास दोनों की रेसिपी शेयर हुई है यहाँ पर। तो आप वो वाली रेसिपी में देखिएगा, मैंने रेड कलर का यूज़ करके स्लाइस करके एंड देन हार्ट शेप निकाल लिया था। अब हम हार्ट को ऐसे अपसाइड डाउन करके रखेंगे ताकि जब हम इसे डीमोल्ड करें तो हम एक स्मूथ सरफेस पे हार्ट मिले। अब हम
हमारा जो रिमेनिंग बैटर है हम वो डालेंगे। हमें इनको ज़्यादा नहीं छेड़ना है। इसे स्मूदन आउट कर दीजिए। और मैंने अवन को पहले ही प्री हीट कर दिया था 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए। देखिए ये बेक हो गया है, आप टूथपिक डाल के चेक कर सकते हैं। और अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए इसे तभी डीमोल्ड कीजिए। इसे डीमोल्ड करने के बाद कम से कम 4-5 घंटे के बाद ही आप इसे कट करिए, तब आपको एकदम क्लीन स्लाइसेस मिलेंगे। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मैंने ऐसे कट किया है, पूरा हार्ट शेप बनकर आया है। आप इस ड्राई केक को व्हिप्ड क्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं, चॉकलेट गनाश के साथ सर्व कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए ये हिडन सरप्राइज केक विद योर लव्ड वन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।